वाह मस्त। बाय अमित। भोले बाबा अरे जोगिया ओ मोर राम, अच्छा भैया लो हम विराह गायक राम को ले आ दो एवं साथियन के आवाज में आप सबके बीच में एक थे अलग ढंग का विराह हम गावे जाते हैं। जो ने विराह का शीर्षक बा पिता बना पति उर्फ पति बना ससुर। भूमिका का भाव लगत मास्टर, लेकिन देखो विराह सुनने वाला भैया लोगों से निवेदन बा कि विराह के शीर्षक से ही बुझा जाए कि विराह बा कैसन। विराह को अंत तक सुनिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। विराह आरभी स्टूडियो भीमपुरा बलिया में रिकॉर्डिंग होत बा। विराह बा कैसन भूमिका है मास्टर? भूत क्या था मेरा ना मुझे है पता, अपने आज से मैं तो अनजान हूं, भविष्य का फल जरा भी न जाने कहा, आज के यथार्थ गीता का पार्थ ने स्वाद चखा, रब की रहमत से रमजान का जानू, पांच तत्वों की काया माया में घिरी, हरि शंकर कलम की मैं पहचान हूं। विराह में मास्टर एक लाइन गजल का नमूना लगत बा। हमारे जद्दू घराने के नौजवान कवि, हम लोग के पीठासीन गुरु जी का नाती श्री हरिशंकर यादव जी का ही हरकत बा। जवनिया में कुछ हरकत हो जाले, कौनो आशिक अपने मासुका के इंतजार करत हो। कैसे किए जानम हमें छोड़ कहाँ तुम चली, तुम चली आए जानम हमें छोड़ कहाँ तुम चली, तेरे स्वागत में महफिल छोड़ कहा तुम चली, जिया तेरे स्वागत
में महाफिल सजाए हैं हम। हेलो मीरा मूर्ति जी, अजानब हमें छोड़ कहां तू चली, तेरे स्वागत में महफिल सजाए हैं हम। सुन रही हैं, कहते कि सुन तू कौनो इंतजार करे राजा, कहत बा तेरा मेरा न रिश्ता है कोई, सुनो तेरा मेरा न रिश्ता है कोई, सुनो जैसे कितनों को फूल खिलाए हैं हम। तेरा मेरा न रिश्ता है कोई, सुनो जैसे कितने को फूल खिलाए हैं हम। लेकिन बड़ा सुंदर भाव कवि जी बिरहा में लिखले बड़े, कैसे हरे दिल का राजी। बिरहा सुनने वाला भैया लो ध्यान दहल जाई, अरे दिल का राजी कभी सर का ताज बने, दिल का राजी कभी सर का ताज बने, दूध पिलाया जिसे वो हमें ही डसे, दूध पिलाया जिसे वो हमें ही डसे। दिल का राज कभी सर का ताज बने, दूध पिलाया जिसे वो हमें ही डसे। ए अखिला बाबू चंदन हो, जिसके दिल में न जाने कि क्या गए बसा, किसके दिल में न जाने कि क्या है बसा, मैं कहूं क्या किसे आज हम भी फंसे, क्या है बसा, मैं कहूं क्या किसे आज हम भी फंसे। हमेशा मेरे बिरहा का शुरुआत हो गई बाबू, नज्म का लाइन बाय एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, कैसे मास्टर। कहानी बड़ा पुरान बा, कब से कहानी लिखल गई, मुस्लिम सोच रहे, मुस्लिम सोच रहे पाक मुल्क जाने को, हिंदू सोच रहे हिंद को सजाने को, बेगम अलीजा हिंद मुल्क को छोड़ चली, सरहद पार हुई सूर्य किरण तब ढली, गांव देख बेगम रुकने का आदेश दिया, क्या वह देख लिया कि दिल में एक कलेश किया, का
सब्र है तीन 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 कब्र है तीन कोई दीप को जलाया रही कब्र है तीन कोई दीप को जलाया रही बात पूछने पर वह भेद को बताया रही बात के समझ लीजिए भैया बिरहा का कहानी समझे में आसान रही मेरा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ देश जब आजाद हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आदेश हुआ कि हिंदू हिंदुस्तान रह जाए और मुस्लिम पाकिस्तान चले जाए पाकिस्तान में भी जो हिंदू है जिसकी इच्छा है कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा तो हिंदुस्तान आ जाए हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसकी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा वह पाकिस्तान चला जाए बिरहा सुनने वाला भैया लोग दोनों तरफ से आवागमन हो रहा है उसी समय बेगम अलीजा नाम की एक मुसलमान की बीवी जो हिंदुस्तान छोड़कर के पाकिस्तान की ओर चली है सरहद पार करने के बाद शाम हो गया अपने सिपाहियों को लेकर के साथ में जा रही है पाकिस्तान के धरती पर पहुंची है तो एक दृश्य देख रही है शाम हो गया है रुकना चाहती है और देख रही है कि उस गांव के बगल में सटे बगल में एक 35 वर्षीय नौजवान लड़की हाथ में दीपक ली है सामने तीन कब्र है और तीनों कब्र पर वह दीपक जला रही है बिरहा सुनने वाले भैया बाबू बेगम अलीजा उस लड़की से पूछ रही है कि आखिर ये तीन कब्र किसकी है तो लड़की बताई कि ये जो पहली कब्र है बेगम जी देख रही है ये जो पहली कब्र है ये हमारे पिता की है बाद में हमारे पति हो गए आज जिंदा रहते तो हमारे ससुर रहते बेगम पूछती है कि दूसरी कब्र कलश की दूसरी कब्र हमारी माता का है बाद में हमारी सवत हो गई और जिंदा रहती तो मेरी सास रहती तीसरी कब्र किसकी है बता रही है कि तीसरी कब्र हमारे भाई की है बाद में मेरा बेटा हो गया और जिंदा रहता तो पति रहता ध्यान दिया लोग भैया बिरहा सुनने वाला लोग बिरहा बड़ा और गुड़बा बेगम बोली तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है इसका राज क्या है जहां आप रुकी हैं कह रही है लड़की सर मैडम जी जहां आप रुकी हैं बेगम जी यहां एक राजा रहते थे उनके राज में एक फकीर आया राजा का दरबार लगा हुआ था भिखारी भिक्षा मांगा तो राजा बोले कि अरे फकीर तुम्हें भिक्षा जरूर मिलेगी लेकिन ये बताओ मेरे औरत के तन से किसी संतान का जन्म होने वाला है ये बताओ कि हमारे औरत के तन से बेटा का जन्म होगा या बेटी का बता दोगे मुंह मांगी तुम्हें भिक्षा दी जाएगी वह लड़की बता रही है नौजवान 35 वर्षीय लड़की है ए भैया बतावत एक तब रुकी बेगम जी जब सवाल रहूंगा कोई भी कहनी है कि किसकी कब्र है तो आप रुकिए मैं सारी घटना की बात बता रही हूं उस फकीर से राजा पूछ रहा है और फकीर बता रहा है लेकिन बड़ा पुरान तर्ज लगल मास्टर
ये अपने जमाने का सुप्रसिद्ध गीत रहल, खूब बजल हो भैया गावे लेके गौले रहल। खालू तिरंगा खालू तिरंगा गोरिया हो फार के जा झार के जा झार के खाए मीरा जी खालू तिरंगा गोरिया हो फार के जा झार के बाकी आई हयात बार के जा झार के लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोग ये बिरहा में तरज का कोनो मतलबे नहीं खे, बस ध्यान दहल जाई लास्ट ले बिरहावा सुनबा लोग कहनिया सीसा जी संझलक जाई। आज वो राजा उस फकीर से कह रहे हैं, बोला रजनवा बोला रजनवा बाबा के समनवा बताव बेटा होई कि बिटिया बताव बाबा, अरे बताव बाबा। फकीर बाबा खड़े हो गए, राजा बता दूं बता दूंगा लेकिन जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। राजा बोले फकीर बताओ, बाबा कह रहे का कलन होई तोहार बेटी बाबा समझावे, कुल का कलंक बनी वो हुके बतावे, नहीं रखिया भवनवा बताव बाबा, भवनवा बताव बाबा। सुन रजनवा ना रखिया भवनवा बताव बाबा, बेटा होई कि बिटिया बताव बाबा। रहा सुने वाला भैया लोग, बाबा बतौलन हो है राजा, तेरे तेरे बीबी के तन से बेटा का जन्म नहीं होगा, तेरे बीबी के तन से एक बेटी का जन्म होगा और वो भी एक कलंकनी बनेगी। एक काम करना राजा, तुम्हारी बेटी जैसे पैदा हो उस बेटी की हत्या करवा देना, वरना तेरे खानदान तेरे कुल तेरे परिवार की नाश बनेगी वो। बात राजा साहब सुन लो हो, कलंक है फकीर जो बात तूने बोला है मुझे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक मेरे औरत के गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं होगा। तू मेरे घर रह, तुझे मेरे दरबार में रहना होगा और जिस दिन मेरे औरत का संतान जन्म जाएगा हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिरहा सुनने वाला भैया लोग, फकीर बाबा गरीब आदमी, राजा अपने घर में रखा है, भिक्षा भी मांगने नहीं दे रहा है, बोला कि तेरे परिवार का खर्च मैं चलाऊंगा।
ए भैया समय बीतल, उस राजा के औरत के तन से बड़ी सुंदर एक बेटी का जन्म हुआ, बड़ी खूबसूरत है। राजा भी मोहित हो गया, रानी भी रो रही है कि बाबा फकीर ने बोला है इसकी हत्या करवाना, कैसे मैं बेटी की हत्या करूं। माई तो माई होली हो बाबू, रानी के मोह लगता। आखिरे भैया सोचली कि हत्या ना कर, राजा से चोरी चुपके सिपाहिन के बोलौली है, कहली कि देखो इसकी हत्या मत करना, राजा से बोल देना कि मैं हत्या कर दिया हूं, इसे ले जाओ काठ का संदूक मंगवौली है, वही में सोने का दुगो कंगन धैली है कि कोनो गरीब आदमी केहू पा जाई यह कंगनवा बेच के हमारे बिटिया का पालन पोषण कर दे। भैया हो संदूक में बेटी और बेटी के बगल में दो सोने का कंगन रख करके वो मां सिपाहियों को दे रही है, तेरी का भाव लगल मास्टर। हरे कंगन कंगन बंधन में ममता बध गई, सरिता सहम गई रजनी करती अभिनंदन। कंगन बंधन में ममता बध गई, सरिता सहम गई रजनी करती अभिनंदन। आंख में आंसू लेकर के वो मां अपने बेटी को सिपाहियों को दे रही, तनी छंद का भाव है मास्टर। माता की ममता द्वार खड़ी, बेटी है बंद पिटारी में, सरिता भी सोत में सिसक गई, माझी पाया जलधारी में, माझी है उसको पाल रहा, चांदनी है सोलहवा पारी में, राजा एक दिन है घूम रहा, राजा एक दिन है घूम रहा, चांदनी है खड़ी दुआरी में। जिया बेटा जिया ले अमित, हे भैया सिपाहियों से कहती है रानी, है सिपाही राजा साहब कितना हूं दबाव बनाए, तू मेरी बेटी की हत्या मत करना मत करना। गंगा जी के जल में मेरी बेटी की पिटारी को बहवा देना, लेकिन हत्या मत करना। बिरहा सुनने वाला भैया लोग, लड़की बहती जा रही है पावल के एगो जात का मल्लाह, अब मल्लाहिन दोनों भाई मतलब दोनों प्राणी, मल्लाह मल्लाहिन दोनों प्राणी नाव पर बैठल हुन। ए भैया लड़की बहुत ज्यादा बड़ा सुंदर खूबसूरत उपिटारी बा, पकड़ ले दोनों प्राणी, खोलला हो देखल बड़ी खूबसूरत बेटी है, कल के जय भगवान हमने के एगो औलाद खाती तरसत रही हजा रोत रही हजा, आज हमने के भगवान तू बेटी दे दिला ना, जय हो गंगा मैया जय हो गंगा मैया। दोनों प्राणी करत हुआ लेके घरे आ गेलन हो बाबू, वो बेटी का पालन पोषण करे लगलन। धीरे 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 पढ़ावत लिखावत हुआ, लड़किया 15 बरिस का हो गई,
आज जब 15 बरस की हुई वह बेटी, तो उस बेटी का नाम ये दोनों प्राणी हो भैया चांदनी रख लह। आज चांदनी जब 15 बरिस का भइल बिया, संजोग है देख एक दिन माई बाबू घरवा नहीं खा, 15 साल का बिटिया जवान है बड़ा खूबसूरत बा, राजा के बेटी ने रहल हो, वही झोपड़ी के दुआरी में खड़ा बिया ये चंदन, वही राजा बिरह सोने वाला भैया लोग, उसी राजा के नगरी में सरहद पर जा करके बॉर्डर पर वह रह रही है लड़की उस मल्लाह के घर। राजा घोड़े पर सवार होकर के घूमते हुए पहुंचा है, देखा है राजा, उसकी नजर पड़ी है उस जवान बेटी पर, तो तर्ज लगी मास्टर। उहे दर्द बा, अरे आई हो दादा, अरे आई हो दादा, कैसन पियावा के चरित्र बा, दम रहे लेकिन तरजिया से सुघर बिरहवा में भर दहो विजेंद्र मास्टर। राजा एक टक देख रहा है उस लड़की को, भाव हो, अरे राजा सोचे हो, अरे राजा सोचे हो, छुपल झोपड़ी में चांदबा, दिलावा को हार बोल चांदनी मोर नाम बा, दिलावा को हार बोल चांदनी मोर नाम बा, राजा सोचे हो छुपल झोपड़ी में जान बा, जिया राजा घोड़े पर चढ़ा है, सामने लड़की खड़ी है, एक टप ताकत आए सामलाल गुरु जी, एक नजर वो लड़की की ओर ताकत, हेलो क्या नाम है तुम्हारा, लड़की बता रही है कि मेरा नाम चांदनी है, कलश ये सचमुच में तुम चांद हो। आखिर घोड़े से उतर गया राजा, चांदनी हो तो एक गिलास पानी पिला सकती हो, धीरे धीरे लड़की के करीब पहुंचाओ, कैलाश का चांदनी से राजा कहो गईल मिलनवा, हई देखो हो भैया अमीर गरीब, अमीर लोग गरीब की आबरू को नहीं समझते हैं। राजा सोच लिया कि जब ये फूल मुस्कुरा रहा है तो तोड़ लेना जरूरी है, गरीब की बेटी पानी तो पिलाई, लेकिन हवस के आग में हर राजा उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ कर दिया। ए बाबू भैल कहो, दोनों के मिलन से भैले एक ठे रचनावा, चांदनी से बोला राजा नहीं मोर जान बा, चांदनी से बोला राजा नहीं मोर जान बा, राजा सोचे हो छुपल झोपड़ी में चांदबा, जिया ए बाबू। आखिरकार वह राजा उस गरीब की बेटी के साथ गलत काम कर दिए, हर वह लड़की गर्भवती हो गई,
नौ महीने के बाद बड़ी सुंदर एक बेटे का जन्म देती है। तब भई लका बाबू यह विदेशिया का भाव लगता हो। ए बाबू रोवत बा गरीब का बेटी कि चादनी एक दिन रोवन लगली, माई बापू से कहन लगली, हरे धर्म के लूटी ले हलास, हमर राजा दूराचारिया कोखिया में लाल दिखल जियल कचाह छीनले, कवन मुह देखाई बुमाई गावरे नगरिया। ए बाबू गरीबी बा बदनसीबी बा, नौ महीना के बाद वो बेटी के तन से बड़ा सुंदर बेटवा का जन्म भइल बा। उ मलाह बिरदरी के माई जवन जीवन दाता बड़ी, जन पलले पोसले बाड़ी, डांट ताड़ी पूछ ताड़ी करे लैकी, कहा ऐसा गलती काम कर दिली रे, झर 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 रोत कि माई हो आखिर हम कहवा जाई हो माई, हमने के नगरी का जो राजा हुए राजा हमारे आबरू के लूट ले लसो माई। राजा का नाम वो दोनों प्राणी जब सुनला हो बाबू तो कैलन का बतिया के सुन माई, अरे दोनों गिरे भहराई, माई बाबू चली दिगल स्वर्ग की रे डारिया। जब राजा का नाम दोनों प्राणी सुनल कैसे कहल जाए कि राजा हमने की बेटिया के तू राख ल, राजा मरवा देगा हम तीनों लोगों को। दोनों प्राणी खड़ा होकर झंकत हुआ, आखिर गरीब आदमी उस दुख को उस सदमा को नहीं बर्दाश्त कर पाए और दोनों गिरे और दोनों का हार्ट अटैक हो गया। सामने वह चांदनी बेटी उस बेटे को लेकर के रो रही है और एक बात सोच रही है, करती है क्या चांदनी के चांद भईले जीवन में काल अइले, अरे लाल के धैली जाके वही राजा के दुआरिया। ए बाबू ध्यान धलियो, माई बाबू को मरल तो बर्दाश्त नहीं न होतो, लेकिन कर क्या सकती है ई माया का जाल है, जे आइल बाहू के जाए के बहु भैया बर्दाश्त करना पड़ता है। अपने कलेजे को पत्थर बना करके हौसला को बुलंद कर करके वह चांदनी उस बेटे को लेकर के और पता लगाती हुई उस राजा के दरवाजे पर पहुंची है। चंदन बाबू भोर के टाइम में पहुंचल बा और जाकर के उस राजा के द्वार से बगल में उस बेटे को बड़ी खूबसूरती के साथ ले जा करके और रख देती है कि इस राजा का ये खून है, मैं गरीब कहां लेकर के इसको जाऊंगी। बिरहा सुने वाला भैया लो लड़का के सुताई के वह चांदनी फिर अपने झोपड़ी पर चली आई। अजोर भइल हो राजा के दरबार का लोग जब जुलना के अरे यार कि हाँ कि हाँ कोनो लड़का रोता। राजा रानी के पास वह लड़का आया, चुकी बिरह सुनने वाला भैया लोग अभी राजा रानी के कहूँ औलाद भी नहीं हूं, लिया के लोग दे लो ए भैया। राजा रानी वो लड़का के अपन बेटा बना लेलन, जेकर नाम रखल खालिद। खालिद बेटा धीरे धीरे जब 16 बरिस को भइल बा
तो कह जला कि हो नहार बीर उनका हो तो चिकने पात, जैसन बाप का आचरण रही कुछ न तो कुछ बेटा को रही। 16 बरिस का जवान बेटवा भइल बा खाली, तब वह भी घोड़ा ले करके और अपने राज्य में घूम रहा है। घूमत 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 वह खालिद भी एक दिन पहुंचा है कहां, उसी लड़की वही चांदनी वही मल्लाह की बिटिया उसी दरवाजे पर पहुंचा है। और चांदनी को जब खालिद देखा है कलश की, वाह भगवान ने बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया है, बारे अल्लाह काश काश ये मेरी रानी बन जाती, मेरी जिंदगी धन्य हो जाती। मास्टर साहब देखो उम्र में दूना अंतर हो फिर भी प्यार हो, दिल दे बैठता है राजा का बेटा उस गरीब की बेटी के साथ जिसका नाम है चांदनी। ए भैया आखिर आना जाना इसका लग गया, जबले चांदनी के देखे ना तबले खालिद के चैने न मिले। एक दिन खालिद अपने आप को रोक नहीं पाया और चांदनी से एक बात कहता, एक लाइन तरज लगत मास्टर, दहिया भइल बापी यार हार धीरे मोरी, यार हार धीरे मोरी, लेकिन भाव हो भैया जैसे मोतिया हो देखो गोरी हमारी ओहरी आखो लाना जोतिया हो देखो, गोरी हमारी लाना जोतिया हो देखो। खाली दांत के दिल चांदनी भी देखिए के ताब मुसु कोइली, चोरी चोरी मिले लगल दिन रातिया हो देखो गोरी हमारी ओरिया खो लाना हो देखो। बिरहा सुनने वाला भैया लोग, खालिद और चांदनी ये दोनों एक को चाहने लगे, आखिर ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और दोनों निकाह कर लिए। अपनी बीवी बना करके खालिद लेकर के चांदनी को अपने घर आ गया। आज जब लेके घरे अलन हो बाबू आ घरे अलन तब ही लगा हमारे बिरहा का आखिरी तर्जबा।
उहे तरज बा अपने जवानी में हमरे सिनरायन चाहे तरज के गावे बलिया जिला के वीर गवैया हमरे बाला चाचा गावे कैसे गावे लोग अरे या भाई छोटा कोरिया छोटा कोरिया रे काहे रंग ले बाड़ू लाल लाल ओठ कोरिया जिया बाबादुर इहे हो रहा सुनने वाला भैया लोग इकलौता बेटा है राजा का गलती तो करके गया है लेकिन अब्बा मम्मी बर्दाश्त कर लिए कि जाने दो लड़का है प्यार करके जब शादी कर लिया है तो कोई बात नहीं परिवार के लोग खुश बा लेकिन भैया हो जेकर शादी हो ले उसके जिंदगी में एक अमूल्य रात आती है लेकर के घर गया है हुआ क्या खालिद आइले घरवा आइले घरवा हो बैठल से जिया पचादन झुका के सिरवा झुका के सिरवा जिया भैया सर झुका करके बैठी है अपने सौहर से शर्मा रही है नाज नखड़ा दिखा रही है तब तक खालिद बोला कि चांदनी थोड़ा एक गिलास पानी मुझे पिला दो पानी लाने के लिए जब आंगन में जाती है वह चांदनी तो देख लेती है किसको राजा कलाम को राजा कलाम को जब देखती है पहचान गई अरे ये तो वही पापी है ये वही पापी है जो मेरी आबरू को लूटा था और आज सुहाग सेज पर जो बैठा है इसी पापी का वो खून है आखिर मैं कैसे उसके साथ गलत संबंध करूं मेरे आबरू को तो इसका बाप लूटा था ये राजा लूटा था आखिर बाबू हो पानी लेकर जाती है खालिद से सारी बात बताती है कि खालिद मुझे माफ करना मैं तेरे साथ गलत काम नहीं कर सकती इसलिए कि मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी गलती हुई है ये जो घर में है पुराने आदमी ये कौन है बोला कि हमारे अब्बा है तो तुम्हारे अब्बा है ना तो ये आदमी मेरे साथ गलत काम किया था और उसी की निशानी तू है मैं तो तेरी जन्मदायिनी हुई ना आखिर मेरे साथ ऐसा काम क्यों करेगा बिरहा सुनने वाला भैया लोग भई लका हो बोलती है कि खालिद मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं बिता सकती हूं इसलिए कि तू रिश्ते में मेरा पति नहीं रिश्ते में तू मेरा बेटा लगेगा समझ गया वो लड़का
खालिद की मेरा बाप मेरा अब्बा इतना बड़ा घटिया इतना नीच तलवार टांगी हुई है, तलवार को उठाया और अपने गर्दन को काट लिया। जीना से अच्छा है मर जाना। ए बाबू, अपने आप को इस दुनिया से छुटकारा तो ले लिया। आज चांदनी खड़ा होकर के झंक रही है, चिल्लाहट की आवाज में घर में गई वह बेगम हसीना। बेगम हसीना मतलब राजा कलाम की बीवी। दौड़ती हुई आई है, पास में बेटे की गर्दन कटी है, बेटा छटपटा रहा है और जो बहू है घर में उसके कलाई में जो दोनों कंगन है, वह कंगन वही बेगम हसीना अपने बेटी के उस ताबूत में बंद करके भेजी थी कि जो गरीब पाएगा मेरे बेटी का पालन पोषण कर देगा, वही कंगन पहन करके वो आई है अपने ससुराल में। आज राजा तलवार लेकर के हसीना को काटने चला है, मना करती है रानी बेगम हसीना। चांदनी को जब काटने चला है राजा तो हसीना वह बेगम हसीना मना करती है कि इस लड़की का दोष नहीं, दोषी मैं हूं, इसलिए कि ये कोई गैर लड़की नहीं है, ये मेरी बेटी है। ए बाबू, राजा वही तलवार उठा करके अपने रानी के सर को कलम कर दिया, औरत को मार दिया और औरत को मारने के बाद वही तलवार खुद अपने गर्दन पर भी चलाया। सारी बात तो लड़की चांदनी वहां बात कर रही है, कहां सरहद पर जो हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान जा रहे थे खलीदा। अरे राजा कलाम क्रोधवा में आज लाल बा, बेगम हसीना से राजा बेहाल बा। जिया बच्चा दनी झुकाई सिरवा, जिया बैठल से जिया बच्चा दनी ए भैया वो लड़की सारी बात बता रही है कि बेगम जी सभी लोग मर गए, खालिद भी मर गया, राजा कलाम भी मर गए, बेगम हसीना भी मर गई, मैं ही हुआ भागिन हूं जो आज जिंदा हूं और इन तीनों कब्र पर मैं दीपक जला रही हूं। भई लका बाबू बिरह में अल्लाह का भाव लगता। बेगम अलीजा से सारी बात यह चांदनी बता रही है कि मेरे साथ कैसे कैसे घटना घटी, कैसे वो लोग मरे। जहिया हम शादी को के हमके ले लो वो दिने के बाद बताओ थे, क्या बताओ थे। कर्म की लकिरिया पर नाचे रे समैया, धर्म की लकिरिया पर धर्मी पूजल जाया। अरे रजनी में चदनिया ज बैठल बा कोठरिया, अरे खालिद पहुंच के दिया घूंघट उठाया, चांदनी के नैना से झरत बाटे मोतिया,
खालिद से बोली जदनी धर्म ला बचाया हथवा के जोड़ जदनी भेदवा बतावे। अरे भेदवा के जान खालिद गोइल घबरा ऊपर अपने हो दिहल चलाया खालिद के लसिया पर रोवे ले चदनिया खालिद के लसिया पर रोवे ले चदनिया पवले खबर राजा रानी गईले आया। सारी बात को चांदनी बता रही है कि ऐसे ऐसे घटना मेरे परिवार में घटी, इसीलिए ये बताओ हमारे पिता, ये जो पिता की कब्र है बाद में हमारे पति क्यों हुए? इसलिए कि मैं इन्हीं की बेटी हूं और जब मैं मलाह के घर मेरा पालन पोषण हुआ तो यही मेरा बाप जा करके मेरे साथ गलत काम किया, इसलिए हमारे पति हो गए और आज जिंदा रहते तो ये हमारे ससुर होते। दूसरी बात, दूसरी कब्र की बात कह रही है कि हमारी माता का कब्र है बाद में हमारी सवत हो गई, इसलिए सवत हुई कि मेरा बाप मेरे साथ गलत काम कर दिया तो ये मेरी सवत हो गई, आज जिंदा रहती तो ये मेरी सास रहती। ये तीसरी कब्र जो है मेरे भाई की है, भाई इसलिए है कि जब मेरे पेट में था तो मेरा भाई था, बाद में जब जन्म लिया तो मेरा बेटा हो गया, आज जिंदा रहता तो ये मेरा पति होता। इन्हीं तीन लोगों की यह कब्र है और मैं अपने इन तीनों लोगों की कब्र पर दीपक जला रही हूं। सारी बात खलीदा बेगम सुन रही है। भाई लका बाबू खड़ी के भाव लगत बा। कहत बा कि बेगम खलीदा जी, मेरे अब्बा जब मेरे हाथ में कंगन को देखे तभी उनको डाउट हो गया, मेरे मां को डाउट हुआ, यहीं से कहानी खुली है। कहती बा अरे कंगन के देख राजा बावन रावा राजा करम पर अपने झुकाव सिरावा बतावत बिया चांदनी की पहले राजा रानी पर क्रोधवा में लाल हो रानी के मार राजा खुदे भैले काल हो भैया हो वह खलीदा बेगम पाकिस्तान में रहने लगी
और आज भी सरहद पर वह तीनों कब्र कायम है। आखिरी भाव बाबू, जय जखाड़ गुरु जद्दू रघुनाथ हबीबुल्ला की फुलवारी, सुभाष श्यामलाल श्री नारायण यादव की बलिहारी। कंगन बंधन में ममता बध गई, अरे लिखे हरि शंकर राम केवल अभिनंदन। कंगन बंधन में ममता बध गई।